तीन कमीज, दो बंडी और एक जोड़ी मोजे। और ये एक गंदा रुमाल सत्यन भैया का। सब कपड़े धोकर रस्सी पर डाल देना, सवेरे तक सूख जाएंगे। बहुत अच्छा। सत्यन, माँ को प्रणाम करो। क्यों बेटा, कहीं जा रहे हो? मुझे आशीर्वाद दो माँ, भैया ने मुझे नौकरी दिला दी है। रात को सिर्फ 4 घंटे काम करना होगा और 200 रुपए मिलेंगे। 200? सच है सुखेन? हाँ माँ। सत्यन भैया, बंसी अभी ये कपड़े लॉन्ड्री में जाएंगे, भैया को नौकरी लग गई है ना। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ पिताजी को खबर नहीं दूँ क्या? और भी खुशखबरी है माँ। क्या बेटा? सत्यन, माँ को ये पहना दो। हाँ? ये क्या? ये तो मेरा हार है जो गिरवी पड़ा था। हाँ माँ, सिर्फ हार ही नहीं, सारे जेवरात छोड़ा लाया हूँ। ये लो। मेरी चूड़ियाँ। और ये? मेरे कंगन। और ये? मेरे सुहाग का टीका। मेरे असली जेवर तो तुम लोग हो बेटा। मगर ये जेवर छुड़ाने से पहले कई और जरूरी काम थे। वो सब काम मैंने कर लिए हैं माँ। ये लो 1000 रुपए पिताजी की हवा बदली के लिए। मगर बेटा वो सेठ फकीरचंद और अमीचंद का कर्जा भी बाकी है, अभी हवा बदली कैसे? तुम फिक्र मत करो माँ, उन लुटेरों का बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। सुनो सतीन, मैं कल सवेरे पिताजी के बाहर जाने की तैयारी में लगा रहूंगा, तुम ये 3000 रुपए सेठ अमीरचंद की गद्दी पे दे आना। क्यों? सेठ अमीरचंद की गद्दी नहीं जानते? हाँ हाँ जानता हूँ। और देखो उनसे रसीद जरूर ले आना। अच्छा माँ, तुम अगले हफ्ते जाने की तैयारी करो। अगले हफ्ते? मैं तो अगले महीने तक नहीं जा सकती बेटा। क्यों? क्या बिस्तर बांधने में कोई देर लगती है? बिस्तर बांधने में तो नहीं, लेकिन लगन बांधने में जरूर देर लगती है। लगन? किसका लगन? सत्यन का। रजनी बाबू आए थे, वो कह रहे थे कि दिवाली से पहले ही एक दिन शादी हो जाए। अच्छा, तो फिर इस दिवाली के दिन लक्ष्मी सचमुच हमारे घर में होगी। मगर माँ ये सब कुछ एक साथ, मेरा मतलब है ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों, नौकरी मिल गई, कर्जा उतर गया, अब तेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? मगर तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? तेरी शादी की फिक्र हमको होगी, माँ को होगी, तुझे क्यों? चल जाकर काम कर। मगर बेटा मैं तो तुझे पूछने भूल गई, ये ढेर सारा रुपया तू लाया कहाँ से? डाका डाला है माँ, डाका। यकीन ना आए तो सतीन से पूछ लो। चल पगला कहीं का, चल।